पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी की पार्टी से तल्खी बरकरार है। जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्टी को चला रहे हैं, इससे साफ संकेत है कि पार्टी में गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी में किसी के लिए कोई अहमियत नहीं है। जब भी किसी नेता ने गांधी परिवार की मर्जी के खिलाफ कदम उठाया, उसे पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी से नाराज चल रहे मनीष तिवारी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह पार्टी में किरायेदार नहीं, हिस्सेदार हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, हम कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर कोई धक्के देकर निकालना चाहे तो यह अलग बात है। जाहिर है मनीष तिवारी का इशारा कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी की तरफ था, जो पार्टी को अपने हिसाब से चला रही हैं और पार्टी में गांधी परिवार के खिलाफ उठी आवाज को समय समय पर दबाती रही हैं। अश्विनी कुमार के इस्तीफा देने के बाद यह अटकलें लग रही थी कि मनीष तिवारी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसके जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा, हम पार्टी में कोई किरायेदार थोड़े हैं, हम हिस्सेदार हैं। अगर कोई धक्के देकर निकालना चाहे तो यह अलग बात है। उन्होंने कहा कि हमने पार्टी में अपनी जिंदगी के 40 साल दिए हैं, हमने परिवार और इस देश की अखंडता के लिए खून बहाया है, हम विचारात्मक सियासत में यकीन रखते हैं। यह बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार के सोनिया गांधी को भेजे त्यागपत्र के बाद पार्टी में आंतरिक कलह बढ़ गया है। इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो बातें की हैं उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है। G23 समूह के नेताओं ने भी 2020 में इसी तरह की चिंताएं प्रकट की थी। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वह 46 वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। आनंदपुर साहब से लोकसभा सदस्य तिवारी ने कहा कि कुमार का इस्तीफा गंभीर चिंता का विषय है। मनीष तिवारी ने संवाददाताओं से कहा, वह अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे वकील हैं जो बेहतरीन जिरह करते हैं। उन्होंने अपने त्यागपत्र में जो कहा उसमें कुछ न कुछ सच होगा। G23 समूह ने भी 2020 में कुछ चिंताओं को आलाकमान के समक्ष उठाया था। तिवारी ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पंजाब में हिंदू सिख का मुद्दा उठा रहे हैं, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ में खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने समुदाय आधारित राजनीति को कभी पसंद नहीं किया और वे पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत में विश्वास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।